सूरत कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। अदालत ने राहुल गांधी द्वारा एक वक्तव्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में प्रयोग की गई शब्दावली को उचित नहीं माना है। इस मामले में अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद यह सिद्ध हो गया है कि राहुल गांधी आदतन अनर्गल बयान देते हैं। यह बात युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश राठौड़ ने माधव चौक पर प्रदर्शन व मीडिया से चर्चा के दौरान कही। डॉक्टर राकेश राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी पहले भी गांधी के हत्यारे वाले बयान सहित अन्य बयानों को लेकर देश से माफी मांग चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी लगातार देश को बदनाम करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। न्यायालय ने राहुल गांधी को सुनाई सजा का अभिनंदन है, स्वागत है। राहुल गांधी ने समाज में विद्वेष फैलाने, जाति की अस्मिता का पर हमला बोलकर सामाजिक पाप किया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं मखनलाल राठौर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व विधायक सीपरी। अच्छा, आज आपके द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो किस प्रकार में क्या किया जा रहा है? आज जो राठौर समाज द्वारा प्रदर्शन किया गया है मोदी जी के संबंध में, मोदी जी राठौर साहब समाज में पैदा हुए वो हमारे गौरव हैं, लेकिन हमारे गौरव के साथ साथ पूरे देश के गौरव हैं। आज देश का उन्होंने, मोदी जी ने जो एक सम्मान विदेशों में बढ़ाया है और जो विकास की धाराएं देश में प्रभावित हुई हैं, वह भारत के प्रजातंत्र के बाद का इतिहास साक्षी है। ऐसे शख्सियत के लिए राहुल जैसे नौसिखिए राजनीतिक लोग एक अशब्दता का प्रयोग करें, जाति सूचक वातावरण करें, उनके लिए अविलंब माफ़ी मांगना चाहिए। साहु समाज, राठौर समाज, सीपरी का राठौर समाज क्या उनसे अविलंब मांग करता है कि जो न्यायालय ने कल फैसला दिया है, सूरत न्यायालय ने, इस बात का प्रकटीकरण है कि राहुल गांधी अपराधी हैं। यहाँ तक मोदी जी के साथ साथ पूरे भारत का अपमान विदेश में जाकर करते हैं। इस परिवार का जो शुरू से वो रहा है कि इन्होंने देश में अधिकतर राज किया है 45-47 साल के करीब, और भाजपा का जो शासन है वो आप सबके सामने है। लेकिन मोदी जी हमारे सबके गौरव है, पूरे देश के गौरव है। लेकिन मोदी जी के बारे में यदि कांग्रेस के लोगों ने, राहुल गांधी ने कुछ भी कहने के लिए प्रयास किया, तो राठौर समाज ईंट से ईंट, पूरे देश का साहु समाज, राठौर समाज ईंट से ईंट बजा देगा, उसमें कहीं कोई पीछा नहीं रहेगा। कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी, उन्होंने क्या बोला था राठौर समाज को लेकर मोदी जी के बारे में? नहीं, सबके लिए मालूम है, आपने खुद चापा उसके लिए। मोदी जी के लिए जिन शब्दों का वो हल्की जाति का जेब वो उपयोग किया था, वो मैं समझता हूँ कि एक साधारण व्यक्ति अपने मुंह से कहना पसंद नहीं करता। जो वो सिर्फ उन राहुल गांधी अपने आप के लिए एक उच्च पद पर आसीन मानते हैं, उन्होंने उन शब्दों का उपयोग किया था। जासूस सूचक उन्होंने मोदी जी के लिए गलत बोला था, जबकि मोदी जी का राजनीतिक सफ़र, सामाजिक सफ़र, उनके माँ के बारे में उन्होंने जो कुछ बोला है, उनके पूरे परिवार का सफर वो है। मैं डॉक्टर राकेश राठौर हूँ, युवा प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ राठौर समाज का। आज राठौर समाज के द्वारा माधव चौक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या संबंध में? राठौर समाज के द्वारा आज शिवपुरी जिले ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश और देश भर में सभी जगह राहुल गांधी जी का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और राष्ट्रपति जी से अपील की जा रही है कि जो व्यक्ति संविधान सम्मत और संविधान और संसद का सम्मान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति की सदस्यता समाप्त की जाए। उनको 2 साल की सजा सूरत के कोर्ट ने उनको दी है, और सजा याफ्ता किसी भी व्यक्ति को संसद में रहने का अधिकार नहीं है, उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। इसके साथ ही जो व्यक्ति अध्यादेश की कॉपी फाड़कर अपनी ही सरकार में 2013 में मनमोहन जी की सरकार में उन्होंने अजय माकन जी की प्रेस वार्ता में अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी, जो अध्यादेश सांसद वह एक सांसद हैं, संसद भारत का संविधान निर्मात्री रहती है, और ऐसे संविधान के सदस्य यदि अध्यादेश की कॉपी फाड़ेंगे तो ऐसे व्यक्ति को संविधान का अपमान करने के लिए और अनर्गल बातें करने के लिए उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।